ब्राउन, टेक ब्राउन कलर एंड ब्रांचेस आप उसको आउटलाइन करेंगे, और फिर उसके बाद डार्क ग्रीन कलर से लीफ की आउटलाइन करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ऐसे इसको कब पूरा कंप्लीट करना है, ठीक। एंड हियर ऐसे इसको यहाँ पूरी आउटलाइन करेंगे, एंड देन एंड अब हम जो लीफ बनाएंगे वो हम, क्योंकि हमने सेंटर लाइन डाली है इसलिए हम इसमें लाइट ग्रीन कलर से वन साइड अप साइड में हमने लाइट ग्रीन कलर से फिल करना है, ओके। जितनी भी अप वाली लीव्स की हाफ पोर्शन है उसमें हमने लाइट ग्रीन करना है, एंड देन डार्क ग्रीन कलर, हाफ लीव लाइट ग्रीन एंड हाफ लीव डार्क ग्रीन। अप साइड में इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइट्स दिख रही हैं, इसलिए हमने अप साइड में ही लाइट ग्रीन कलर। ओके, टेक मैरून कलर एंड मेक अ आउटलाइन फॉर पेरीज। क्योंकि हमने डार्क कलर से आउटलाइन की है सो हमने रेड कलर फिल करना है, ओके। देन टेक ब्लू कलर, इफ यू वॉन्ट सिल्वर ब्लू देन टेक सिल्वर ब्लू एंड मेक अ आउटलाइन, क्लाउड्स की आउटलाइन करेंगे, ओके। ओनली आउटलाइन करना है क्योंकि क्लाउड्स हमने व्हाइट दिखाना है, सो व्हाइट पेज है आपका, सो आप इसको ऐसे ही रख सकते हो, और नहीं तो व्हाइट कलर से इसको कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड सन ऑरेंज कलर से आउटलाइन, सेमी सर्कल ऑरेंज कलर, रेज ऑरेंज कलर, एंड यू कैन टेक येलो कलर एंड देन कलर ऑन द सेमी सर्कल। ये आपका सन कंप्लीट हो गया, ओके। अब आपको आना है जिराफ पे, तो टेक ऑरेंज कलर एंड मेक अ आउटलाइन। जिराफ की जो पूरी बॉडी है इसमें हमने आउटलाइन करनी है, लाइक दिस। क्योंकि हम येलो कलर फिल करेंगे इसलिए हमने इसमें वाइट ऑरेंज कलर से आउटलाइन रखिए, पूरा जिराफ हमने ऑरेंज कलर से एंड देन ओके। ये हमने क्योंकि इसकी फीट ब्लैक करने है इसलिए हमने इसमें ऑरेंज नहीं किया। एंड टेक ब्राउन कलर, इफ यू वॉन्ट चॉकलेट ब्राउन देन टेक चॉकलेट ब्राउन एंड मेक आउटलाइन पैचेस चॉकलेट ब्राउन से, ओके। ये हमने छोड़ा है क्योंकि हम यहाँ पे ब्लैक करेंगे हेयर और फेस में भी पैचेस, नोज तो ब्लैक होगी, ओके। एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू टेक ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन एंड फिल ऑल पैचेस। लाइट ब्राउन कलर and you have to fill light blue color on patches, okay। Wow,
लुकिंग सो प्रिटी। देन ओके, अब क्या करना है? अब हमने करना है येलो कलर बॉडी में, ठीक, और हेयर ब्लैक कलर, ठीक। सी टेक ब्लैक कलर फर्स्ट, फिनिश टेल। ओके, एंड देन टेक येलो कलर, ब्राइट येलो। टेक ब्राइट येलो, हॉर्न येलो एंड ईयर्स भी येलो। अब देखो, अगर ऑरेंज कलर से हमने इसमें पैचेस, ऑरेंज कलर से हमने क्या किया था, आउटलाइन की थी, तो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और वन डायरेक्शन में आएंगे, देखो नीचे भी मैं स्लीपिंग की पोजीशन में आ रही हूँ, इसलिए कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, एक ही डायरेक्शन में कलरिंग करते चलेंगे। ओके, एंड ब्लैक जो हमने उसके टोज करने हैं वो हम बाद में करेंगे, पहले हम येलो कलर पूरा फिल करेंगे इसको, एंड स्लोली करेंगे। देखो वाइट वाला एरिया नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल भी, टेल में, एंड स्मॉल एरिया में, क्योंकि स्मॉल एरिया में कलर्स बाहर जा सकता है, इसलिए आप उसको कलर को पॉइंटेड करेंगे, तभी आप उस पर कर पाओगे। वाव, लुकिंग प्रिटी। एंड उसके ब्लैक टोज करेंगे, जस्ट सी ब्लैक टोज। यस, एंड जहाँ पे आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, थोड़ा सा येलो कम दिख रहा है, तो आप इसमें एक बार और इसमें इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये इवन कलर आ जाए। जस्ट सी, एंड हियर येलो व्हाइट, वाओ। एंड ब्राउन में भी थोड़े थोड़े पैच में व्हाइट दिख रहा है, सो इसको एक बार रीचेक करेंगे कहाँ कहाँ व्हाइट दिख रहा है, उसमें उसको अच्छे से फिल कर लेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, डार्क ग्रीन कलर से बुशेस बनानी है आउटलाइन, और बेस लाइन को भी डार्क ग्रीन कलर से करेंगे। सो बुशेस में बहुत केयरफुली करेंगे, क्योंकि बहुत स्मॉल मैंने सेमी सर्कल बनाए हैं, सो आप इसको बहुत ध्यान से केयरफुली, डोंट यूज स्केच पेन, ओनली यूज क्रेयॉन्स। ओके, आप इसके पीछे की तरफ से दिख रहा है, तो आपने यहां से बुशेस, डार्क ग्रीन हमने इसलिए यूज किया है ताकि इसमें जो कलर हम फिल करेंगे वो हमें ब्राइट दिखाई दे, और जिराफ की बॉडी भी बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई दी, इसलिए हमने उसको डार्क ग्रीन कलर से आउटलाइन की। लाइट ग्रीन करते तो दिखता ही नहीं, इसलिए हमने डार्क ग्रीन कलर से आउटलाइन करी, क्योंकि हम लोग स्केच पेन यूज नहीं कर रहे, तो हमने डार्क ग्रीन कलर की आउटलाइन बेस लाइन भी करी है, और अब हमने यूज करना है लाइट ग्रीन कलर और स्टैंडिंग पोजीशन में। सो यू यूज स्टैंडिंग पोजीशन बुशेस, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में होगी, तो हमने इसको बुशेस को स्टैंडिंग पोजीशन में ही कलर करना है। ओके, अब हमने फ्लावर्स लेने हैं, क्योंकि जो जो आपने पहले पिक्चर्स बनाई है, पहले उनको फिनिश करेंगे। सो टेक पर्पल कलर, वॉट एवर यू वॉन्ट। सो आपने पर्पल कलर से पहले पेटल्स की आउटलाइन करी, बट हमने पर्पल कलर सेंटर में नहीं करना है, हम पर्पल करेंगे की जगह पे हम यहाँ पे सेंटर में ब्लैक कलर यूज करेंगे, ताकि जब आप पेटल्स में कलर करोगे सो क्लीन दिखाई देगा, जो आपने फ्लावर्स बनाया वो भी और कलर भी, एंड सेंटर जब आपने ब्लैक लगाया तो प्रोमिनेंट दिखाई देगा, ठीक है।
ऑरेंज कलर लिया एंड इसको फिल कर दिया, ठीक है। एंड देन टेक रेड कलर एंड ट्यूलिप रेड कलर, एक स्टैंडिंग लाइन। क्योंकि ये फ्लावर में हमने ग्रीन स्टेम इसलिए किया है क्योंकि ये स्मॉल जब फ्लावर्स होते हैं तो इनकी स्टेम जो होती है वो ग्रीन होती है, ओके। एंड देन सब में आप सेंटर ब्लैक कर लें और देन टेक ऑरेंज कलर एंड फ्लावर को आउटलाइन के बाद ही कलर करें। ओके एंड देख पर्पल कलर, अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर से आउटलाइन की थी तो अब यहाँ पे हमने टू कलर्स यूज करने हैं। फर्स्ट यू हैव टू टेक लाइट ग्रीन कलर एंड गो विद वन डायरेक्शन। सो स्लीपिंग लाइन में, जब ये स्लीपिंग लाइन है तो आपको स्लीपिंग लाइन के अकॉर्डिंग ही स्लोली स्लोली गो डाउन देन गो अप स्लोली। अगर जितना स्लो करोगे उतनी ही लाइनें इसमें बनेंगी नहीं, बिल्कुल प्लेन बेस दिखाई देगा, ग्रीन बेस। एंड प्रेस करने की जरूरत नहीं है, हल्के हाथ से करेंगे तो लाइट ग्रीन शो करेगा। जस्ट सी, वाओ लुकिंग प्रिटी। And then take dark green color, take darker green and then go with same procedure, sleeping line. तो जहाँ जहाँ पे white portion है उस जगह पे green का texture आ जाएगा थोड़ा। Wow. Okay, I hope you all enjoy. Keep practicing, okay? Bye. Take.